अवैध हथियार रखने के आरोप लगाकर एक युवक को 3 दिन अवैध रूप से हिरासत में रखने और झूले पर लटकाकर डंडों से मारपीट करने के प्रतापनगर पुलिस पर आरोप लगे हैं। यह आरोप युवक की पत्नी ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में प्रतापनगर पुलिस पर लगाए। महिला का कहना है कि पिटाई के चलते उसके पति की हालत बिगड़ गई, जिसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चपरासी कॉलोनी निवासी सुनीता मेघवंशी ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में कहा कि 29 मई को सुबह 11 बजे प्रतापनगर पुलिस की गाड़ी उसके घर पहुंची और उसके पति चंपालाल मेघवंशी को जबरन बैठाकर ले गई। इसके बाद वह थाने पहुंची तो उसे पति से नहीं मिलने दिया गया। वह रोज थाने जाती, लेकिन न तो उसे पति से मिलने दिया जाता और न ही कुछ बताया जाता। पुलिस कर्मियों द्वारा उसे वहां से भगा दिया जाता था, लेकिन न तो पुलिस कर्मियों ने कोई कारण बताया। इसके बाद 3 जून को उसके पति का फोन आया कि वह महात्मा गांधी अस्पताल से बोल रहा है। उसे 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। पुलिसकर्मी सुरेश, असलम और कुलदीप उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर और झूले पर लटका कर डंडों से मारपीट करते। मारपीट इतनी की जाती कि जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता। होश में आने पर उससे अवैध हथियार के बारे में पूछताछ करते। उससे कहा जाता कि अगर उसने नहीं बताया तो चोरी के झूठे मामले में या घर में बंदूक रखकर झूठा मुकदमा बनाकर जेल में डाल देंगे। पीड़ित का कहना है कि मारपीट से उसके एक हाथ और पैर ने काम तक करना बंद कर दिया है। इसके अलावा सुरेश विश्नोई ने डंडों से उसके पेट पर बहुत सारी चोटें मारी, जिससे उसकी हालत गंभीर है। उधर कांस्टेबल सुरेश का कहना है कि आरोप लगाने वाले युवक को पिछले दिनों शांति भंग के आरोप में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद स्थायी वारंट होने से युवक को संबंधित कोर्ट के आदेश से मेडिकल के बाद पालड़ी बाल सुधार गृह भिजवा दिया गया था। इस युवक की पत्नी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद और गलत बताया। मेरे को असलम ने और सुरेश ने और 3 जने पुलिस वाला अन्य ने मेरे को बुलाया कि चौकी पर आओ, 2 मिनट कोई काम है। तो चौकी पर गया मैं, तो मेरे को बिठाया, मेरे मकान पर ले गए, क्वार्टर पे चेक वेक करा गए। मैंने कहा सर क्या हुआ, मेरे को ये बात तो बताओ, मेरे को क्यों लाया जो तेरे पास पिस्टल है और गांजे कहाँ है। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो पिस्टल है, गांजे भी नहीं है। तो मेरे को ले गए थाने में ले जाके मेरे को झूले पे लटका गया, फिर बाद में मेरे को मारा। मैंने कहा पिस्टल गांजे लेकर रहूँगा और मेरा कभी खाली वजन गया नहीं। और मैंने कहा सर मैं एसपी साहब के सामने पेश होऊंगा, जो मेरे को और ज़्यादा मारा। और सीआई साहब के सामने पेश करा, जो सर बोले का ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं। जो फिर मेरे को अंदर ले जाके मारा, फिर शाम को बाबा धाम चौकी पर लाते मारते। 3 दिन से मेरे को बाद मारपीट कर रहे हैं और प्रॉब्लम में भाई। फिर बाद में मेरा वारंट था जो पालड़ी जेल पहुँच गया, वहाँ पे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिखाया नहीं, गोली दवाई दी और फिर बाद में मारपीट की। कौन से थाने में मारपीट? प्रताप नगर थाने में। पहली चौकी ले गई, चौकी से मारा, फिर थाने में ले गए, थाने में मारा। फिर मेरे को क्या बोले, पिस्टल वगैरह मेरे को क्या पिस्टल और गांजा कहाँ। मैंने कहा सर मैं रखते ही नहीं हूँ, ऐसा काम करते ही नहीं हूँ। मेरे तो अजमेर जो होटल में चाय बनाती हूँ, बोलने मेरा क्या काम सर इनका। नहीं तेरे पास पिस्टल गांजा है मेरे को पता है, तू बता। मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है, और मेरे बच्चों बच्चे कसम, मेरे मम्मी कसम, मेरे पास कुछ नहीं। कितने देर मारपीट की? 3 दिन तक मारपीट की। तीन पुलिस वाले थे, 2 जने अन्य, 5 जने थे। 2 जने को तो नाम जानता हूँ मैं, 1 जना और 3 जने को नाम जानता हूँ। एक तो असलम पुलिस वाला और एक सुरेश और 1 जना और नाम जानता हूँ मेरे को भी, तबीयत ज़्यादा भी मतलब पता था। और 2 जने और अन्य थे, 5 जने मेरे को लट फंसा के बीच में रस्सी से बांध के, उसके साफी से बांध के फिर लटका के मारा मेरे को। कुछ गलती नहीं है मेरी तो।